नमस्कार छात्रों, मैं गजेंद्र सिंह राठौर, HOD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर, आपको EE 307 पावर सिस्टम सेकंड के टॉपिक से वो डिस्कस कर रहे हैं। आज हम आपके साथ आठवां टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कंसिडर करेंगे। इसमें इंक्लूड है LT लाइन का सर्वे, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, मेथड्स ऑफ इरेक्शन ऑफ सपोर्ट्स, इरेक्शन ऑफ कंडक्टर्स, रेजिंग एंड सेटिंग ऑफ पोल्स, गाइज एंड स्टेज, फिक्सिंग ऑफ इंसुलेटर एंड क्रॉस आर्म्स एंड गार्डिंग। आज हम इसका पहला टॉपिक सर्वे ऑफ LT लाइन्स करेंगे। वाई सर्विंग इज इम्पोर्टेंट? सर्विंग इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे जो कॉस्ट है ट्रांसमिशन लाइन के, उसको ऑप्टिमाइज करता है सर्वे करने से। हमें लाइन की लेंथ दी हुई है, डिस्टेंस दी रखी है, कहाँ से कहाँ तक खींचनी है, तो कौन सा रूट ठीक रहेगा वो हमें निकालनी है, कहाँ कहाँ टावर लगेंगे उनकी लोकेशंस निकालनी है, कहाँ से डिवीशन होगा लाइन का वो सब इसमें निकालेंगे, रिवर क्रॉसिंग हो रही है तो वो कम से कम रखनी है, फॉरेस्ट एरिया को कम से कम कवर करना है, और एसेसिबिलिटी ईजी रहे इसमें या ईजीली एसेसिबल रहे, और राइट ऑफ वे कंसिडर करना है, और जो भी दूसरी रूट की प्रतिबंध है, बाधाएं हैं, उनको देखते हुए आपको प्लानिंग करनी कंस्ट्रक्शन की। इसके अलावा जो भी हमारे नियम हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, उसके अकॉर्डिंग ग्राउंड क्लियरेंस रखनी है, हॉरिजॉन्टल और राइट ऑफ वे क्लियरेंस देखना है, पावर लाइन, रेलवे लाइन, रोड क्रॉसिंग, इन सब की भी आपको देखनी होती है। ये एक एग्रीकल्चर फील्ड है जिसमें से ट्रांसमिशन लाइन को दिखा रखा कैसे रहेगी, ये हिली एरियाज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कैसे ट्रांसमिशन लाइन है वो सर्विंग के बाद ही वर्क किया जाता है, कंस्ट्रक्शन की जाती है। नेक्स्ट है जो नदी क्रॉस हो रही है, रिवर क्रॉसिंग, उस पर ट्रांसमिशन लाइन किस ढंग से रहती है। ट्रांसमिशन लाइन के नंबर ऑफ पोल्स बता रखें एक पर्टिकुलर एरिया में से जाते हुए। जो हम सर्वे कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन का, उसमें तीन स्टेप में काम करते हैं। पहला आपको शॉर्टेस्ट रूट इसका फाइंड करना है, और फिर इसको ग्राफ पे लार्जर स्केल पे प्लॉट करना होता है। उसके बाद जो रूट हमने डिसाइड किया, शॉर्टेस्ट जो रूट है, उस पर वॉकओवर सर्वे होगा, घूमेंगे हम वहाँ तक, और जो एरिया की टोपोग्राफी है उसको हमें देखना है। और थर्ड जो स्टेप रहेगी, उसमें हमारे को जो फाइनल हो गया डिटेल्ड सर्वे, उसके बाद आपको इस लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितनी कौन कौन से मेटल की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब हमें देखना है। जो सर्वे किया जा रहा है ट्रांसमिशन लाइन का, उसमें तीन अलग अलग एरियाज आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र आएगा, शहरी क्षेत्र आएगा और कृषि क्षेत्र आएगा, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज और एग्रीकल्चर एरियाज। तो हर एक के अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं। जैसे जो रूरल एरियाज है, उसमें आपको LT लाइन पे कनेक्शन देने होते हैं, तो सबसे पहले नज़दीक की जो HT लाइन है वो देखनी होती है कि जहाँ से हम टैपिंग ले सकते हैं। इसके बाद गाँव का लोड कितना है टोटल, वो हमारे को निकालना है, और फिर लाइन की लेआउट हम निकालेंगे कि इस ढंग से लाइन है वो ड्रॉ की जाएगी। जो अर्बन एरियाज है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोडें रहती है, तो वहाँ लाइन को रोड को क्रॉस करवाना होता है, बीच में कोई प्राइवेट लैंड आ गई, निजी भूमि आ गई, उसको देखना है, रेलवे ट्रैक रहेगा उसकी क्रॉसिंग रहती है, सिमिलरली जो टेलीफोन लाइन है उनकी, जो टेली कम्युनिकेशन लाइन है उनकी भी क्रॉसिंग रहती है, इन सबको भी हमारे को देखना होता है। जो खेत है, एग्रीकल्चर एरिया है, वहाँ पे जब हम करते हैं तो उस टाइम हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो रहेगी कि ट्रांसफॉर्मर है वो आपको लोड के सेंटर पॉइंट पे रखना है, ताकि जो लाइन का लेंथ है वो कम हो जाए और वोल्टेज ड्रॉप भी रिड्यूस हो जाए। इन सब चीज़ों को हमें, तो हर एक के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार हमारे को देखना होता है। तो ये शुरू में मैंने आपको बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। इसमें हमारे को पहला काम बेस्ट पॉसिबल रूट निकालना है, जिस रूट से हम लाइन को खींच सकते हैं, राइट ऑफ वे निकालना है, टेक्नो इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट होना चाहिए, जो लाइन खींची जाएगी उसमें टेक्निकली साउंड होना चाहिए और पैसे कम लगने चाहिए, टाइमली ये कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्ट, और क्योंकि लोड कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, इसकी इंक्रीजिंग डिमांड है लाइन की खींचने के लिए। उसके बाद आपको टोपोग्राफिकल मैप की ज़रूरत पड़ेगी बी लाइन की, और कौन कौन से और दूसरे पॉसिबल इसके रूट्स हो सकते हैं, फिर इस पूरे एरिया से आपको फैमिलराइज होना है, और फिर देखना कि वास्तव में ये रूट है वो फिजिबल है या नहीं है। ये एक सिंपल टोपोग्राफी बता रखी है सर्वे जो किया जाएगा ट्रांसमिशन लाइन का उसके लिए।
उसके बाद इसमें हमने जो ग्राफ था, ये लैंड का जो एरिया था उसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ की है कि ये हमारा अलग अलग रूट रहेगा, कहाँ कहाँ टावर लगेंगे, कहाँ पे डेविएशन आएगा, ये सब चीज़ें हम इसमें करते हैं। तो जो रूट को पहला, अभी शुरू में बताया, पहला काम आपको रूट का सिलेक्शन करना होता है। तो सबसे पहले ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट होना चाहिए और उसमें मिनिमम डेविएशन होना चाहिए, जो डेविएशन हो रहे हैं वो उनकी संख्या कम से कम होनी चाहिए। तो पहला रूट फाइनल करने के बाद फिर हमें डिटेल सर्वे करना पड़ेगा। डिटेल सर्वे में जो टूल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ज़रूरत रहेगी, वो ये हैं, थियोडोलाइट और रेंजिंग रोड, डंपी लेवल और मेजरिंग स्टाफ ज़रूरत पड़ेगी, मेजरिंग चेन की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा मेगर की हमें ज़रूरत पड़ती है। डिटेल सर्वे में ये सब काम किया जाएगा, अलाइनमेंट को फिक्स करना, लाइन पॉइंट को फिक्स करना, कहाँ मुड़ेगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहेगा, एंगल पॉइंट को फिक्स करना, डायरेक्शन पॉइंट को फिक्स करना, और जो एंगल पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस मेजर करना, और हर 10 मीटर के इंटरवल पे आपको डिफरेंस, जो वर्टिकल लेवल का जो डिफरेंस है उसको आपको चेक करना होता है कि कितना इसमें डिफरेंस आ रहा होता है। डिटेल सर्वे में भी रोड्स की कंप्लीट डिटेल आएगी, कौन कौन सी रोड पास से निकल रही है, किसके पैरेलल चल रही है, कौन कौन से गांव बीच में आ रहे हैं, लाइनें जो है पावर और टेलीकम्युनिकेशन की वो कौन सी क्रॉस हो रही है, और दूसरी पावर लाइन कौन सी इसमें क्रॉस हो रही है, रेलवे क्रॉसिंग है या नहीं है, रिवर क्रॉसिंग कितनी है, बीच में कोई कुएं वगैरह आ रहे हैं एग्रीकल्चर के, वो आपको देखना है, और हर 1 किलोमीटर के इंटरवल पे आपको सॉइल की रेजिस्टिविटी भी देखनी है। फिर उन पे ट्रायल के खड्डे खोदे जाते हैं, पिट्स खोदे जाएंगे, और फिर फसल बीच में आ रही है नहीं आ रही, पेड़ों को कितना काटना पड़ेगा, ये सब चीज़ें भी इसमें की जाती है। तो डिटेल सर्वे करेंगे तो ये कुछ चीज़ें हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, मिनिमम आए ये नहीं आए उसमें ठीक रहेगा। जैसे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, वन संरक्षित वन क्षेत्र है अगर, तो उसको हमें उसमें से लाइन नहीं पास करवानी है। अगर कहीं पे आर्मी की फायरिंग रेंज आ रही है, मिलिट्री फायरिंग रेंज, तो उसमें से नहीं करना, पास में एरोड्रम्स हैं तो नहीं करना, या बहुत ज़्यादा घनित आबादी क्षेत्र है उसमें से लाइन को नहीं निकालना, हिली तराई आ रही है तो वहाँ आपको नहीं निकालना होता, पानी में डूबा हुआ क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है तो उसमें से आपको नहीं निकालना है, और कहीं पे भी 90 डिग्री या इससे ज़्यादा अगर टर्निंग आ रही है तो हमें लाइन वहाँ पे नहीं खींचनी होती है। इसके अलावा ऑयल और गैस स्टोरेज का अगर एरिया है तो वहाँ पे भी हमें लाइन नहीं खींचनी होती है। जब हम डिटेल सर्वे करेंगे तो ये सब चीज़ें फिर लिखेंगे इसमें, कौन कौन सी पावर लाइन क्रॉस हो रही है, हर एक मतलब जो ग्राफ टोपोग्राफी जो हम ड्रॉ करेंगे इसमें, ग्राफ में प्रोफाइल इसकी बनाएंगे, उसमें रेलवे क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग और नेशनल हाईवे क्रॉसिंग, कौन कौन से गांव आ रहे हैं, विलेज आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। ये कुछ क्लियरेंस के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि कौन कौन से, जैसे मैं HT लाइन के बारे में बता रहा हूँ, 132 kV, 220 kV और 400 kV लाइन है, तो ग्राउंड से कितनी क्लियरेंस होनी चाहिए इनकी। ग्राउंड से जैसे मिनिमम 132 kV तो 6.1 मीटर की डिस्टेंस है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा ये बढ़ती जाएगी, 400 kV के लिए 9 मीटर है। ऐसे पावर और ट्रांसमिशन लाइन है तो उससे आपको इनकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 3.1 मीटर रखनी होगी। ऐसे एक क्रॉसिंग कर रहे हैं अपन हाईवे पे तो 132 kV के लिए 9 मीटर वर्टिकल हाइट डिस्टेंस होनी चाहिए, रेलवे क्रॉसिंग के लिए 14.6 मीटर होने चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग का जो स्पान आएगा मैक्सिमम, वो टोटल जो स्पान है उसका 2/3 के बीच में होना चाहिए, और जो टावर और रेलवे ट्रैक के बीच की जो दूरी है वो टावर के हाइट प्लस 6 मीटर के बराबर होनी चाहिए। ये मैंने अभी जो मेथड बताया, थियोडोलाइट और एसेट्रा, ये पुराने टाइम में हम सर्वे करने के लिए काम में लेते हैं। आजकल जो नए मेथड्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, वो यूज़ में आती है, जिसमें GPS सिस्टम यूज़ में लिया जाता है सर्वे करने के लिए, या टोटल स्टेशन और PLS कैट को भी काम में लेते हैं। ये नए मेथड्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिनसे इनको किया जाएगा। तो इनसे क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग जो सिस्टम है GPS, इससे आप ये सेटेलाइट डिपेंडेंट है, सेटेलाइट से आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सा रूट शॉर्टेस्ट रहेगा और कौन कौन से हर्डल्स बीच में आ रही है, और उन पर्टिकुलर पोजीशन की लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड ये आपको मिल जाएगी, और लाइन का स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स क्या है, ख़त्म होने वाले कोऑर्डिनेट्स कितना है, और मैप सोर्स सॉफ्टवेयर है उनको हम यूज़ में ले सकते हैं, गूगल अर्थ है, उससे फिर टॉप ऑफ शीट जनरेट हो जाती है और रूट है उसको मार्क
किया जा सकता है। दूसरी टेक्निक इसमें टोटल स्टेशन है, ये भी थर्डोलाइट जैसा ही है, लेकिन ये है वो लेटेस्ट नए वर्जन है। ये सेटेलाइट पर डिपेंड नहीं करता, जो भी पोजिशन है उसके आर्बिट्री कोऑर्डिनेट्स इसमें निकाले जाते हैं, और अलाइनमेंट, डिस्टेंस, लेवल, ये सब इसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल है वो भी हम इसमें निकाल सकते हैं। तो ये पहला जो चैप्टर है, पहला टॉपिक है, उसके बारे में था। थैंक यू। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आगे प्लानिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क देखेंगे। थैंक यू।